हेलो नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं बी फिन सिस्टर मीडिया। वैसे आपको बता दें, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा राज ऐसे ऐसे डायलॉग काफ़ी फेमस हो गए हैं, काफ़ी मीम्स बन चुके हैं और इस फिल्म के गाने को लेकर, इसके जो सिग्नेचर स्टेप हैं इसको लेकर भी काफ़ी वायरल हो गई। जब से ये पुष्पा 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 राज मैं झुकेगा नहीं साला, जब से ये फिल्म आई है इसके जो डायलॉग्स हैं, गाने हैं, सब सुपर डुपर हिट हो रहे हैं। तो अब अलग अलग इंडस्ट्री के लोग इस तरीके इस चीज़ को अलग अलग तरीके से फिर से ऑडियंस के तरफ आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो ऐसी इंडस्ट्री है, उसने पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला इस पर एक गाना बना दिया है। वैसे आपको बता दें कि जो ये डायलॉग इतनी फेमस होने की वजह से लगता है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर तरीके से अभी होली के गाने शूट हो रहे हैं, तो होली से कनेक्ट करके गोलू बोल्ड हैं जो कि सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं। वैसे तो अभी सिंगर ही हैं, एक्टिंग नहीं की है, लेकिन जो उनके वीडियो खुद ही डांस करते हैं और खुद ही गाते हैं, कोई नया कास्टिंग नहीं करते हैं। गोलू बोल्ड हैं जो कि आदिशक्ति म्यूज़िक, आदिशक्ति फिल्म के लिए काम ज़्यादा करते हैं, उनकी मतलब गाने ज़्यादातर आदिशक्ति पे आती है। उन्होंने एक गाना गाया है कि मैं झुकेगा नहीं साला, इस पर मतलब ये डायलॉग इतना फेमस हो गया कि जिस पे मीम्स बन चुके हैं, वायरल हो रहा था, तो गोलू बोल्ड ने सोचा कि इस पे क्यों ना गाना बनाया जाए। और गाना जैसे ही ये बनाया तो गाना भी धड़ल्ले से यूट्यूब पर ट्रेंडिंग होने लगा। वैसे आपको बता दें, जब से ये गाना चला कि मैं झुकेगा नहीं साला, कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई क्या ज़रूरत थी टाइटल चोरी करने के लिए, क्या ज़रूरत है ये करने के लिए। लेकिन एक बात कहते हैं, जब कोई चीज़ हिट हो जाती है तो उसके मीम्स या कुछ ना कुछ तो बनता रहता है। और एक भोजपुरी रीजनल इंडस्ट्री है और ये फिल्म इतनी फेमस हुई थी और ये डायलॉग इतना फेमस हुआ था, तो उन्होंने सोचा शायद से मैं अपने ऑडियंस को लेकर इस डायलॉग से लेकर गाना बनाऊं और काफ़ी चले, और वैसा हो भी रहा है। गाना बहुत प्यारा बनाया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है मिस्टेक की है कि मतलब डांसिंग को लेकर मैच नहीं खा रहे हैं, लेकिन होली के लिए बनाया है मैं झुकेगा नहीं साला, होली गाना है। वैसे आपको बता दें, अगर ये डायलॉग आप सुन रहे हैं बार बार, तो शायद से अगर डायलॉग से थोड़ा बाहर निकल कर ये गाना भी सुन सकते हैं, अगर भोजपुरी ऑडियंस है और गोलू गोल्ड के जो उनके गाने के फैंस हैं तो वो भी ये गाना सुन सकते हैं। और आने वाले अब समय में देखते हैं कि पुष्पा राज या पुष्पा के जो डायलॉग्स हैं, सिग्नेचर स्टेप हैं, उस पर क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ क्रिएटिव हो रहा है। जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, कहीं पे भी कोई कुछ नया कुछ कर रहा है तो उस बारे में हम ज़रूर आएंगे। लेकिन एक बात कहें कि पुष्पा एक छोटी सी फिल्म थी, लेकिन इतना बड़ा धमाल मचा चुकी है, उसके जो डायलॉग इतने फेमस हैं, उसके डायलॉग पर ये जब ये गाना बना, तो ऑडियंस ने कभी नहीं कहा कि भाई कॉपी कर रहे हो, कभी किसी ने सराहा। तो हमारे तरफ से ये था पूरा गाने का रिव्यू। और इस गाने को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पुष्पा की बात करें तो पुष्पा 2 भी आ रही है, जिसका हमने रिव्यू और अनाउंसमेंट का जो है हमने वीडियो बना के डाला है। अगर देखना चाहते हैं, उसमें पूरा डिटेल लेना चाहते हैं, तो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। और देखते रहिए बी फिन सिस्टर मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।